प्रजापत श्रीमती सूरज कुमारी गाड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से आपके लिए लाई हूँ ऑनलाइन क्लास। आज उसमें अपन पढ़ेंगे समास। समास में समास शब्द को अपन संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस अस धातु और इसमें घ प्रत्यय होता है। सम उपसर्ग अस धातु घ प्रत्यय होता है और इसकी परिभाषा होती है संस्कृत में सम सनम समास है, यानी कि इसका अर्थ होता है हिंदी में संक्षिप्तीकरण करना। परिभाषा यानी इसका सम सनम समास है, यानी कि हिंदी में इसका अर्थ होता है सम सनम समास है। फिर इसको सम का सम प्लस आस, सम प्लस आस मतलब सम का मतलब होता है निकट और आस का मतलब है बैठना, यानी कि दो शब्दों के आपस में पास पास में आकर बैठ जाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। यानी कि दो शब्दों पर परस्पर मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। फिर समास के भेद, समास के भेद, समास के भेद छह होते हैं, छह भेद होते हैं। समास के छह भेद होते हैं। नंबर एक अविभाव समास, अविभाव समास। नंबर दो तत्पुरुष समास। नंबर तीन बहुव्रीहि समास। नंबर चार कर्मधारय समास। नंबर पाँच द्वंद समास, द्वंद। नंबर छः दीर्घ समास। इस प्रकार समास के छः भेद होते हैं। छः भेदों में नंबर एक पे आता है अविभाव समास, दो में तत्पुरुष, तीन नंबर पे बहुव्रीहि समास, चार पे कर्मधारय, पांच पे द्वंद, छः पे दीर्घ समास। अब अविभाव समास में क्या होता है, इसमें हमेशा पूर्व पद प्रधान होता है और पहला पद हमेशा अव्यय होता है और इस समास में समस्त पद नपुंसकलिंग में होता है और इसका अंतिम स्वर दीर्घ हो जाता है। दूसरा है तत्पुरुष समास। इस समास में अपने दूसरा पद प्रधान माना जाता है और तीसरा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर के तीसरा पद प्रधान माना जाता है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या होता है, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। फिर आता है पांचवां द्वंद समास। द्वंद समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें चय का प्रयोग होता है और दीर्घ समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और इसमें संख्यावाचक पहला शब्द संख्या दिखाई देती है, उसमें दीर्घ समास होता है। अब अपन पढ़ेंगे नंबर एक अविभाव समास, अविभाव समास। इसमें क्या होता है कि पहला पद यानी पूर्व पद, एक उत्तर पद होता है और एक पूर्व पद होता है।
तो इसमें पूर्व पद पराय क्या होता है? अव्यय होता है। और नंबर दो बात, इसमें इस समास में समस्त पद होता है नपुंसकलिंग। समस्त पद में किस में होता है? नपुंसकलिंग में होता है। और जो अंतिम स्वर होता है वो क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। तो इस प्रकार इस पहले अपन अविभाव समास का एक उदाहरण लेंगे। तो उदाहरण में क्या आएगा, जैसे उपनगरम है, उपनगरम, तो इसमें दो शब्द हैं, पहला पद तो क्या माना जाएगा? अव्यय। और दूसरा शब्द क्या है इसमें? ये नगरम, उपनगरम। तो उप क्या है इसमें? अव्यय। और नगरम क्या है इसमें? नगर क्या है? संज्ञा। यानी कि इसमें नगर तो एक संज्ञा है और उप क्या है इसमें? अव्यय है। तो जब इसका समास विग्रह करेंगे तो लिखेंगे नगरस्य समीपम, नगरस्य समीपम। हमेशा इसमें इस समास में अविभाव समास में मतलब, तो इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जब तक हो सके जब तक शब्दों में इसमें षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस नगर को अपन किस कौन सी विभक्ति में लिखेंगे? षष्ठी विभक्ति के लिखेंगे। और उप का अर्थ होता है समीप, यानी कि पास में, यानी कि नगर समीपम, तो इसका अर्थ हो जाएगा नगर के समीप, नगर के समीप। फिर इसका दूसरा उदाहरण लेंगे अपन। दूसरा उदाहरण है निर्जलम, निर्जलम। निर का अर्थ होता है अभाव, कोई चीज की कमी होना, अभाव होना या कमी होना। तो इसको भी अपन, इसमें भी दो शब्द हैं, निर तो क्या हो गया? अव्यय। और जल क्या हो गया? संज्ञा। और ये अपना क्या हो गया? शब्द मिल गया अपने को। तो इन दोनों को अलग अलग करके देखेंगे तो निर और जलम। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो लिखेंगे जलस्य अभाव, जलस्य अभाव। यानी कि हिंदी अनुवाद हो जाए इसका, जल का अभाव, जल का अभाव। इसमें हो गया जल का अभाव। और जलस्य में अपने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। और नीर का अर्थ हो गया अभाव। तो जो इसमें पहला पद क्या माना गया है? प्रधान माना गया है। तो इसमें पहला पद अव्यय भी माना गया है और दूसरा पद इसमें संज्ञा है। और ये पूरा शब्द किस में मिलता है अपने को? नपुंसकलिंग में मिलता है। फिर तीसरा उदाहरण देखते हैं इसका, अनुगुणम, अनुगुणम। अब अनु क्या है इसमें? उपसर्ग नहीं, अव्यय। और ये क्या है? गुणम इसका शब्द हो गया। तो अनु का इसमें अर्थ हो जाएगा योग्य। तो इसमें लिखेंगे, इसका समास विग्रह करेंगे गुणानाम योग्य, गुणानाम योग्यम, गुणानाम योग्यम। इसको भी अपने गुण, गुण को किसमें लिखा आपने? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। क्यों? इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा गुणों का योग, गुणों के योग्य। फिर अब इसका उदाहरण लेंगे आगे वाला, चक्र, सह चक्रम, सह चक्रम ले लेते हैं। तो इसमें सह क्या है? सह अव्यय है। और चक्रम क्या है? शब्द है। तो इसको लिखेंगे चक्रेण सहित, चक्रेण सहित। और सह का अर्थ होता है साथ में और एक अर्थ होता है युगपत। तो इसको चक्रेण सहित भी लिख सकते हैं और
चक्रेण युगपत भी लिख सकते हैं, युगपत, और इसका अर्थ हो जाएगा चक्र के साथ। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? चक्र के साथ।